सुमन इंसान सरसा से। गुरु जी, गर्मियों में पक्षियों के लिए क्या चोगा डालना चाहिए? चोगा आप रोटी डाल सकते हैं, जैसे बाजरे के दाने हैं, थोड़ा सा कूट के बाजरे को वो डाल सकते हैं, और भुने हुए चने हैं वो भी पावरफुल होते हैं, और खाने में कई जीव ऐसे भी होते हैं जो सीधा निकलते हैं तो उनको हजम होना आसान हो जाता है। और रोटी सबसे बेस्ट है क्योंकि पका हुआ अन्न होता है। चावल सबसे बढ़िया है जो उबाल के आप उनको डालें तो ये भी बढ़िया होते हैं। बाकी जो हार्ड होते हैं बहुत ज्यादा, थोड़ा सा वो नुकसान भी पहुंचाते हैं।